हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल एक कार्ड बन रहा है जी, बहुत तेज़ी से लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है श्रमिक कार्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रमिक कार्ड के बारे में, जो कि क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसके ज़रूरी दस्तावेज बनाने के लिए क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रमिक कार्ड एक ऐसा योजना है जो सीधे दिहाड़ी मजदूर और नरेगा में काम करने वाले लोगों के लिए ही बना है। और ये मजदूर चाहे अपने से होम स्टेट में हो या किसी भी अन्य राज्य में अगर मजदूरी कर रहे हैं, तो अपने विभाग के तहत इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है और इसके लाभ क्या है, वो मैं आपको पहले लाभ बता देता हूँ कि इसके लाभ क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है उपचार के लिए चिकित्सा राशि मिल जाती है आपको। दूसरा है पेंशन भी मिल जाता है। उसके बाद दुर्घटना अगर आपको होती है कहीं भी, तो दुर्घटना में भी सहायता मिलती है। और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है आपको, शायद 2 लाख का है, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो उसके बाद मातृत्व का लाभ मिल जाता है। अगर आपके पास घर नहीं है, आप गरीब हैं, घर नहीं है, तो घर बनवाने के लिए इसमें ऋण की राशि मुहैया कराई जाती है। साथ ही शिक्षा सहायता भी मिल जाती है। जैसे आपके माँ बाप गरीब हैं और आपको पढ़ाने में एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो है सहायता प्रदान करती है। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर कोई भी मजदूर काम कर रहा है, कारीगर है, और उसके पास उपकरण खरीदने के लिए सामान नहीं है, तो फ्रेंड्स सॉरी उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं है अगर उसके पास, तो ये पैसे भी उपकरण खरीदने के लिए पैसे भी मुहैया कराता है सहायता राशि के तौर पे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है बेटियों की शादी के लिए सहायता। तो फ्रेंड्स, बेटियों की शादी जिनके जो माँ बाप जो पेरेंट्स गरीब हैं और उनके पास बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल कार्ड होता है। उनको सहायता राशि मिल जाती है, ऋण की व्यवस्था मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बिजली जो है आपका सब्सिडी वाली बिजली मिल जाती है। और फ्रेंड्स अब इसके हम बात करें अगर दस्तावेज की, इसको बनाने में दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, तो दस्तावेज इसमें सिंपल 2 लगते हैं। एक होता है आधार कार्ड, दूसरा होता है बैंक का पासबुक। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही सिंपल दस्तावेज है, आप अपने नज़दीकी किसी भी CSP पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या खुद अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि क्या आप इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, आप अपने से भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। फ्रेंड्स आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। हम तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और इसमें हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। आपके पास जो ब्राउज़र हो वो आप यूज कर सकते हो, मैं फ़िलहाल क्रोम ही यूज करता हूँ। मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ हम टाइप कर देते हैं ई श्रम। ये आप नीचे देख सकते हो, ये ई श्रम आ जाएगा आपका, उस पर या तो टाइप कर लो या तो वो आ ही जाएगा आपका सर्च बार में। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ आते हैं और सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने डेस्कटॉप साइट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर ऑन ई श्रम, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं ये रजिस्टर ऑन ई श्रम पे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास, तो हमें जो है स्लाइड करके नीचे आना है। डेस्कटॉप साइड कर लिया और फ्रेंड्स इस पर हमें आधार कार्ड अपना मोबाइल नंबर अपना डालना है। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस पर। आपको आना है नीचे सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले में, ऊपर मत कीजिएगा,
जो नीचे लिखा हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये आपका लिखा हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको आना है, क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इस पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फ्रेंड्स ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद हमने कैप्चा डाल दिया, कैप्चा डाल देता हूँ। ये हमने कैप्चा डाल दिया, कैप्चा एक बार मिला लें, SUS6U1CS कैप्चा हमने मिला लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये नीचे सेंड OTP पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है सेंड OTP पे क्लिक करना है, हमने सेंड OTP पे क्लिक किया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आ जाएगी, सॉरी फ्रेंड्स सर्वर डाउन चल रहा है, और फ्रेंड्स हमारा ये OTP आ गया है, मैं OTP को इसमें फिल कर देता हूँ। और मैंने सबमिट कर दिया, ये इस बटन पे आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। ये हमने आधार नंबर डाल दिया फ्रेंड्स, इसके बाद हम सबमिट पे इस पर क्लिक करते हैं, सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स एक और OTP आएगी आपके पास, उस OTP को आप दोबारा इसमें डाल दो, जो आपने आधार में जो नंबर लिंक कराया होगा मोबाइल नंबर उस पर आपको OTP आएगी एक, और ये आपने OTP यहाँ डाल देना है, ये हमने OTP डाल दिया। ये हमने OTP डाल दिया फ्रेंड्स और हमने इसको वैलिडेट कर दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट पेज खुलेगा इसमें आपको, आप देख सकते हैं इसमें जो आपका आधार कार्ड पे जो डिटेल्स है वो सारे खुल के आ जाएंगे आपके सामने, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद दीपक देखिए ये नाम आप देख ही सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, मेल, लोकेलिटी, ये सब आप देख सकते हो फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स हमें कंटिन्यू टू इंटर, ये कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स में क्लिक कर देना है, हम आ गए अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें अपना मोबाइल नंबर तो डाल ही दिए हैं और एक इमरजेंसी नंबर आपको डाल देना है, यहाँ एक इमरजेंसी नंबर डाल दिया, यहाँ ईमेल आईडी डाल दिया, मैरिटल स्टेटस में फ्रेंड्स डाल दिया मैरिड, यहाँ फादर्स नेम डाल सकते हैं आप, कैटेगरी डाल दीजिए, कैटेगरी में जो आपका ये ब्लड ग्रुप में आप डाल सकते हैं, जो आपका ब्लड ग्रुप है आप ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नॉमिनी में क्या आपको डालना है, नॉमिनी डाल दीजिए,
यहाँ नॉमिनी डाल दिया आपने, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं इसमें। यहाँ नॉमिनी में आप डाल सकते हैं, जो आपका नॉमिनी हो वो आप नॉमिनी डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए नॉमिनी का। ये मैं नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया, यहाँ रिलेशन डाल दीजिए, क्या है रिलेशन आपका। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको सेव टू कंटिन्यू कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स होम स्टेट कर दिया, उत्तर प्रदेश मेरा है, मैंने उत्तर प्रदेश कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट में तो डल ही गया, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। हमने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको फिर से यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर आप मिग्रांट वर्कर हैं यहाँ पे, ये अगर आप मिग्रांट वर्कर हैं कहीं दूसरे जगह काम करते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, यस कर सकते हैं। और मिग्रांट वर्कर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद फिर अगर आप मिग्रांट वर्कर हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे ये डालना है, जैसे प्लीज़ सिलेक्ट रीजन ऑफ मिग्रेशन, इसमें आपको रीजन डालना पड़ेगा। अगर आप घर पे रहते हैं तो इसको नो कर दीजिए। अगर बाहर कहीं रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, वर्क करते हैं तो आप नो यस करके डाल दीजिएगा, नहीं तो घर पे रहते हैं तो नो करिएगा। उसके बाद करेंट उसके बाद आते हैं हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ छूट रहा है इसमें, आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं उस लोकेशन को आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे कितने टाइम से आप रह रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो भी आपकी शिक्षा है, क्वालिफिकेशन है, वो आप डाल सकते हैं। हमने डाल दिया। यहाँ आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप फाइल सर्टिफिकेट का अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल हो, पीडीएफ में होना चाहिए, पीएनजी, जेपीजी कोई भी सपोर्ट कर लेगा। ये साइज 1 MB होनी चाहिए फ्रेंड्स ये। उसके बाद फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट अगर आप करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मंथली इनकम स्लैब, आपकी मंथली इनकम क्या है वो आप डाल दीजिए, 10,000 एंड बिलो मैंने डाल दिया। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट सेक्शन ये खुला है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के एनसीओर कोड लिस्ट। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं भरना है आप, इसमें आपको जो है जब इसमें भरेंगे तो आप हैं क्या, क्या काम करते हैं उसकी कैटेगरी डालनी है। तो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे जिस कैटेगरी का आप काम करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कैटेगरी खुल जाएगी। आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा, उसमें आप कैटेगरी डाल सकते हैं।
यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगा, आप यहाँ से देख भी सकते हो फ्रेंड्स। ये हमने डाउनलोड्स पे क्लिक किया, मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैंने इसको क्लिक करके खोल लिया। और खोलने के बाद फ्रेंड्स ये हम कैटेगरी देख सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ये सारे कोड लिखे हुए हैं, ये कोड हैं दोनों एक ही होता है, ये आप कोड भर सकते हैं, या अगर कोड ना अगर ये सपोर्ट करे तो आप फील्ड कोड के सामने जो डिपार्टमेंट उसका लिखा है वो लिख सकते हैं। जैसे फील्ड कॉर्प एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स आप यही डाल सकते हैं, फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स मैं इसी को डाल देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैंने फील्ड ये हमने आ गया, ये आप डाल सकते हैं। इसमें अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, 8 वर्ष 10 वर्ष जो भी है आप डाल सकते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपके पास है तो डालिए वरना छोड़ दीजिए। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं है ज़रूरी इसमें, ठीक है। और इसमें आप जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं, हाउ डिड यू रिक्वायर स्किल्स, इसमें आप जो हो डाल सकते, सब स्किल्स आपके पास हो तो सब स्किल्स डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें अदर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ये सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर दिया है, नेक्स्ट सेक्शन खुला है, इसमें आप अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। इसमें मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, या आप फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ये हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर से हमने अकाउंट को कंफर्म कर लेते हैं। ये हमने अकाउंट नंबर डाल दिया फ्रेंड्स, अकाउंट होल्डर का नाम डाल दीजिए आप, जो नाम है आपके अकाउंट में वो आप अकाउंट होल्डर का नाम डाल दीजिए। अकाउंट होल्डर का नाम पर डाल दिया, आईएफएससी कोड आप डाल दीजिए, उसके यहाँ आप सर्च करेंगे तो खुद ब खुद वो डिटेक्ट कर लेगा आपका आईएफएससी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं ये सेव एंड कंटिन्यू पे कर देते हैं। ये हमने सेव एंड कंटिन्यू पे किया तो नेक्स्ट सेक्शन ये जो है ये आप एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से तरीके से कि आपका कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, गलत तो नहीं भरा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारे डिटेल। उसके बाद फ्रेंड्स चेक करने के बाद यहाँ नीचे सेक्शन में जो है ये आपका यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये इस बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। ये हमने देख सकते हैं फ्रेंड्स सबमिट कर दिया और ये हमारा खुल रहा है अभी, ये आप देख सकते हैं खुल रहा है अभी, नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। खुल जाए तो आपको दिखा देता हूँ मैं। प्रोसेस बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ये हमारा खुल चुका है पूरा, ये बन के रेडी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं यूएन कार्ड, यहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का प्रोसेस, ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है
फ्रेंड्स बहुत ईजी है और आप बना भी सकते हो बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।